जो है इसमें दो चीज दो फैक्टर होते हैं, मतलब अल्टरनेट बेरें क्यों होती है। एक होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, जो हम खादें डालते हैं। दूसरा होता है कैनोपी मैनेजमेंट, जिसमें क्रोनी वगैरह आती है। ज़्यादातर हम करते हैं, ज़्यादातर हम जोर देते हैं मतलब पेस्ट से, लेकिन जो हमारे प्रूनिंग है वो भी मतलब मैंने कश्मीर में भी देखा है अच्छे से, कि हिमाचल में भी देख रहा हूँ, यहाँ के गांव में देख रहा हूँ कि यहाँ जो कैनोपी है वो भी गोस्ट टाइप है। गोस्ट टाइप का मतलब होता है कि हमने इनको डेंस किया है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मतलब आपको ज़्यादा दिख रहा है, दूसरे बाग में भी थोड़ा सा होगा। तो अल्टरनेट बेयरिंग का जो होता है न्यूट्रिशन पर ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है हम प्लांट्स में डालते हैं एज पर रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इस प्लांट में कितनी बेयरिंग है, फ्रूट बेयरिंग कितनी है और एज कितनी है, ये दो फैक्टर हैं, इनसे हम सिलेक्ट करते हैं हमें खाद कितनी डालनी है। ये रहता है पहला ऑप्शन। हम डालते हैं फॉर करंट ईयर के लिए, हमें फॉर एग्जांपल इसमें 10 बीमें लगी हैं या 40 फ्रूट्स लगे हैं, उसके हिसाब से डालते हैं। लेकिन वो रहता है इसका करंट सीजन, लेकिन इसका जो अंदर का जो मतलब ये रिक्वायरमेंट होते हैं वो नहीं दे पाते, तो इसी से होता है अल्टरनेट बैग। ठीक है, दूसरा जो फ्रूट अगर ज़्यादा इस साल हुए हैं, जब फ्रूट आता है फ्रूट के साथ हम बाद में करते हैं सीड कंटेंट, जो सीड कंटेंट रहता है वो भी एक फैक्टर है। जिस प्लांट में जितना ज़्यादा सीड निकलेगा उसमें ज़्यादा अल्टरनेट बेयरिंग आ जाएगी। सीड तभी ज़्यादा निकलेगा जब ज़्यादा फ्रूट है, इसलिए फ्रूट जो कैनोपी है, कैनोपी में पहले मैनेज करनी है। ठीक है, उसके बाद जो न्यूट्रंट मैनेजमेंट रहता है वो भी बैलेंस टाइप देना है। यहाँ पे मैंने देखा है कि मतलब ज़्यादातर लोगों को दिमाग में आता है वहम रहता है कि यूरिया मत डालो। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। मैं वो बताऊँगा कि यूरिया डालनी है, ये एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो प्लांट की जो बॉडी है, जिस तरह हमें बॉडी है प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन का एक अहम रोल होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो बॉडी कैसे बनाएगा, फैदर कैसे निकलेगा। इसका मतलब है नाइट्रोजन कम्प्लीटली बंद नहीं करना है, देना है, लेकिन बैलेंस टाइप देना है। ठीक है, खाली खाली यूरिया ही नहीं डालना, सॉइल टेस्ट तो आप कुछ दे भी नहीं पाओगे बिल्कुल। और दूसरा होता है सॉइल टेस्ट, वो भी मैं बताऊंगा। सॉइल टेस्ट भी मैंडेटरी है और लीफ एनालिसिस भी मैंडेटरी है, ये दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये भी हमें जहन में रखना होता है। जो आपका क्वेश्चन था कि बेयरिंग, अल्टरनेट बेयरिंग, ठीक है, न्यूट्रिशन पे आप ज़्यादा जोर दो और आपके जो फ्रूट है उनको कम करो। ठीक है, कैनोपी पे मैंने मतलब कैनोपी पे जाओ, कैनोपी जो है ना वो थोड़ा ओपन बना दो। नहीं सर, अगर न्यूट्रिशन सही होगा, माना सबका बैलेंस सही है, प्रूनिंग सही नहीं होगी तो अभी आएगी। वो मैंने पहले ही बोला, दो फैक्टर्स है जो इस पे आते हैं। अगर आपका फ्रूट बीम होगा या आप कुछ भी कर लो, फ्रूट उस पे लगना है ना। और दूसरी बात मैं पते की बात बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज मतलब ये प्रूनिंग की, ठीक है, आपका फॉर एग्जाम्पल जो आप ये काटते हो, शाखी काटते हो, 10 काट लिया एक प्लांट में, ठीक है, अगली साल अगर आपको 20 काटने पड़े, इसका मतलब है आपकी प्रूनिंग में प्रॉब्लम है। अगली साल आपको 5 ही काटने पड़े, ऐसा हमें मतलब इसको ट्रेन करना है प्लांट, तो वो होता है प्रूनिंग में। मेजर मेरे को लगता है कि तो हमारी प्रूनिंग है ना, ये भी इशू है। हाँ, इस बार मानो मैंने काट दिए, ठीक, अगले साल कोई दूसरा है वो बोलेगा नहीं नहीं इसने तो गलत काटा है, नहीं इसने तो ऐसे ही होना चाहिए। मतलब मेरा जो इंस्टीट्यूट रहता है, हमारा जो यहाँ आने का मकसद क्या होता है कि जो फील्ड है ग्रोअर के साथ हम खुद डील करें, ठीक है, उसका जो एक्सपोजर है उसको हम थोड़ा क्या करेंगे, मतलब उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे, वो किस तरह मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए मैंने वहाँ से ही बोला आपको कि इसमें मतलब प्रूनिंग प्रॉब्लम इसमें तो है, ठीक है, इसमें मतलब दिखता है। अगर किसी को कोई फार्मिंग ही नहीं आती वो भी बताएगा प्रूनिंग में प्रॉब्लम। दूसरा इसी से होता है ना फिर न्यूट्रिशन, अल्टरनेट बेयरिंग ज़्यादा रहती है, क्यों, इसमें इतने बीमे बन गए, इतने फ्रूट आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम डाल रहे हैं उस हिसाब से अल्टरनेट बेयरिंग आ जाएगी, वो इसका मतलब है हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन में है ना, उसमें आप सीधे बीम रोटेशन पे आ जाएंगे ना, एक को काट देंगे एक को रखेंगे, एक को काटेंगे एक को रखेंगे। देखो ये फॉर एग्जाम्पल बीम है, ये इसका सकर बन गया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नीचे से अगर होता नहीं। हाँ, ये फिर सही है, इसमें अगर एक चाहते ना इसको यही नहीं अर्ज कर सकते थे। हाँ, या वो कर सकते हैं एज ए ड्रिप दे सकते हैं इसको, एज ए ड्रिप कर सकते हैं इसको, बिल्कुल वो कर सकते हैं। जहाँ पे अगर जाएंगे देखो इस पे इतने बीम आए, लेकिन ये देखो इसका साइज कैसा है, ये न्यूट्रिशन में एक ही लगेगा फ्रूट है ना, एक ही फ्रूट है ना यहाँ पे, बाकी कहीं लगेगा क्योंकि ये छोटे हैं। इसको पहले पीछे लाना चाहिए था ना, बहुत मतलब एक दो साल पहले थोड़ा पीछे आता ना, बिल्कुल फिर ये सही रहना था इधर इधर। हाँ,
है ना कि कट मारा है, ये अनवांटेड कट मारा, इसकी वजह से इन्होंने हर एक ग्रोथ के लिए भगा दिया ना, बिल्कुल हर जगह ग्रोथ। इसलिए मैंने दो फैक्टर्स बताए अल्टरनेट, ये जो अल्टरनेट बेयरिंग है, एक है न्यूट्रिशन, दूसरा है कैनोपी मैनेजमेंट। इन चीज़ों पे ज़्यादातर कैनोपी मैनेजमेंट हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। कैनोपी किस तरह करनी है, हमें उतना ही फ्रूट रखना है, हमें क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है। अगर हम फ्रूट फार्मिंग 100 रखते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन हम उस हिसाब से डाल रहे हैं खाद, ठीक है। उसमें इसका जो फुलफिलमेंट होता है, खुद का नहीं होता तो फ्रूट को क्या देगा ये, तो इसीलिए अल्टरनेट ये तो जाएगा, अल्टरनेट बैरिंग आ जाएगी, ठीक है। और कोई आपकी समस्या है? और ली लिया और मतलब ग्रीन पत्ते जड़ जाए, जड़ जाते ग्रीन ही जड़ जाते रेनी सीजन में ना, रेनी सीजन जो था उसके लिए आपके पास ऐसा प्रोडक्ट जो मतलब रेनी सीजन में बचा सके? बिल्कुल, देखो क्या होता है, ये लीफ फॉल क्यों होता है या फ्रूट फॉल भी होता है, जब रेनी सीजन होगा फ्रूट फॉल भी होता है, इवन फ्लावर भी ड्रॉप होते हैं। होता क्या है एक्चुअली उस दौरान, ये मैं आप एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि एक महिला है वो प्रेगनेंट है, ठीक है। प्रेगनेंसी दौरान उसको क्या स्टार्मिंग हो रही है, वो किस तरह स्टार्मिंग हो रही है, ऊपर मतलब जो ये है सनलाइट वो बंद है, पूरी तरह बंद है, ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसके मतलब जो पत्ते हैं वो जड़ जाते हैं और फ्रूट भी ड्रॉप होते हैं। इसके लिए हमारे पास है न्यूट्रिशन पूरा शेड्यूल है, एप्पल के लिए स्पेशल ग्रेड्स है, ठीक है। सिटी स्पेस पे जाना है हमें, हमारे बार ऐसी कोई कंपनी की दवाई नहीं है जो यहाँ ढाली हो, रेनी सीजन में ना अच्छी से अच्छी दवाइयाँ, बायर आपकी जितनी भी है सबकी दवाइयाँ ढाली लोगों ने, लेकिन कोई रोक ही नहीं पाया, मतलब बातें सबने की, बिल्कुल बताया सबने, बिल्कुल यारा मतलब अपना बायर की नटीबो बासब के अपने बासब देखा, मैं उसका भी बताऊँ प्रोडक्ट है। मैं आपका जो शेड्यूल है ना मिनी यूनिवर्सिटी का, वो मैंने मतलब देखा है, उसमें मैंने देखी है कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं वो तो आपकी बात सही है ना, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने तो शेड्यूल हट के भी ट्राई किए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मतलब